वेलकम बैक गाइस, तो स्वागत है आपका हमारी एक और मजेदार सी बिग बॉस की रोस्ट वीडियो में। शाबाश बेटा। ठीक है, आज की इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं बिग बॉस के होने वाले कांडों के बारे में। पहला कांड तो सबसे बड़ा ये हो गया कि रजत दलाल भाई को प्यार हो गया। पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया, मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया भाई। मतलब यहाँ पे लव स्टोरी शुरू हो गई इनकी। और दूसरी चीज, हमारे विवियन भाई, उनको बाथरूम की बाल्टी ना मिल रही, उनको नहाने में दिक्कत आ रही है। यार बिग बॉस, तुम्हारा लाडला, उसका ध्यान रखो। उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। और हमारे सबसे बड़ी चीज तो ये हो रही है, वहाँ पे खाना नहीं मिलता। एक लड़की को पोटी नहीं आ रही, वहाँ पे इतना बड़ा मुद्दा हो गया भाई, उसको पोटी नहीं आ रही 3-4 दिनों से। बिग बॉस कुछ तो करो, उनको खाना दो, उनको पोटी नहीं आ रही। झूठ बोल रहा है। मैं कह रहा हूँ, अरे निकल चल। क्यों निकलूं? मत निकल, खड़ी रहे। बिग बॉस का घर है तो आप। अरे मैं कौन से कह रहा हूँ, मैं घर है। मतलब मैंने तो सुना था कि इन लोगों की लव स्टोरी चल रही है, बिग बॉस ना देखने पे लोग धोखा कर रहे। जनता माफ नहीं करेगी। वहाँ पे तो रीलों में ऐसी ऐसी रील आ रही थी जैसे कोई यही दोनों प्रेम के पंछी है, प्यार में पागल हो जा रहे, पर यहाँ पे तो एक दूसरे से लड़ते फिर रहे। और रजत भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा, तुम लड़कियों से ऐसे लड़ोगे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे बनेगी? पर सबसे बड़ी मुद्दे की बात है, रजत भाई की गर्लफ्रेंड है, इन्होंने बिग बॉस में रिवील करा था। पहले तो मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, इतने अग्रेसिव बंदे को गर्लफ्रेंड संभालती कैसे होगी भाई? ये इतना अग्रेसिव किसी से ना डरता, बिग बॉस से ना डरता, सल्लू भाई से ना डरता। मतलब यार, और ये चाहत पांडे नौटंकी की दुकान, इतनी एक्टिंग कर रही है ना इस शो में आने के बाद, जिसकी गोद ना ये एक्टिंग करते करते ये शो की ट्रॉफी जीत गई ना, मैंने ये ना सीधा इस पे केस ही कर देना। ओ चूना लगा दिया। और खाने को मैं सब कुछ खा सकता हूँ, और मैं इतना ही बता दूं, मैं गैस भी चालू कर सकता हूं। कोई नहीं रोक पाएगा मैं। ये हो रियल लड़ाई। गैस चला के दिखाऊंगा, कोई रोक सको तो रोक देना, तो आप चला के दिखा देना। हाथ चढ़ा के मैं दिखा दूंगा यहाँ। आप अगर शब्द देते हो, मैं एक बार का खाना रोक के दिखा दूंगा जब मैं अंदर आऊंगा। ठीक है, रोक के दिखाना। चल एक टाइम का भी रोक के दिखाना। चल भाई, मतलब कुछ भी को यार, विवियन भाई ने अपना एटीट्यूड एक मेंटेन कर रखा भाई। इसको लोग सिद्धार्थ शुक्ला से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब इसने बिग बॉस ऐसे खेल रहा है ना जिसकी कोई हद नहीं, और मेरा भी फेवरेट कंटेस्टेंट बनता जा रहा है। मैं बिग बॉस ना देख रहा फिर भी मुझे पता नहीं है क्यों पसंद आ रहा, क्योंकि भाई का एक एटीट्यूड है, ग्रेटिट्यूड भी है इसमें, तमीज भी है, एटीट्यूड भी है। पर हमारे रजत भाई, इनमें तो ना एटीट्यूड है ना कुछ, ये तो सीधा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और इनकी लड़ाई के पीछे एक ही रीजन है, बिग बॉस की वाणी। क्योंकि यार बिग बॉस को पता है कि अगर टीआरपी लानी है तो दो बड़े सुपरस्टार को लड़ाना पड़ेगा। रजत भाई वैसे कॉन्ट्रोवर्सी किंग है, और विवियन भाई तो मतलब एटीट्यूड वाला बंदा है, वो तो पहले से इतना फेमस है। तो इन दोनों को लड़ाने के लिए भाई, इनकी इस लड़ाई की वजह से बिग बॉस को इतनी टीआरपी मिली जिसकी वो हद ना। अब मैं सोच रहा हूँ इसी लड़ाई की वजह से कहीं मेरे को थोड़ी इस वीडियो पे व्यूज मिल जाए तो अच्छा ही हो जाएगा मेरे लिए भी। ये क्या लिखा हुआ, RIP फैमिली शो। भाई गुरु रतन जी, आपके मैं चरण छूना चाहूंगा भाई। मतलब तुमने जो बोला है वो फैमिली शो है, इससे पहले तू बाहर निकल लिया, वरना सल्लू भाई तेरी के ले लेते। मतलब यार सल्लू भाई की फैमिली में वैसे प्रॉब्लम चल रही है, और इस फैमिली शो को इन्होंने RIP कर दिया। मतलब रेस्ट इन पीस ये फैमिली शो, बिग बॉस रेस्ट इन पीस। क्या ही नाम लग रहा है यार बिग बॉस तुम्हारा। भाई उसने पूरी की पूरी सच्चाई बोल दी। अब वो उसकी गर्लफ्रेंड है, वो बोलती मेरा बंदा कहाँ गया हुआ, जहाँ का भी बोला मेरे को नाम सुनाई ना आया। अब वहाँ गया हुआ तो उसने सच सच बता दे भाई, वहाँ पे ये नहीं होता, वहाँ पे जो होता वो भाई साहब ने बता दिया। मैं बोल भी ना सकता मेरी इस वीडियो में, मैं क्या कोई भी ना बोलेगा अपनी वीडियो में जैसी जैसी बातें हो रही है। और गुरु नाथन जी, आप तो अलग ही हो, आप तो सरकार डरती है, मैं भी डरता हूँ भाई। मेरे ऊपर केस मत कर देना, मैं तुम्हारा मैटर क्लोज करता हूँ, अगली वीडियो पे फोकस कर दे। सिर्फ हिंदी में ही नहीं करनी, हिंदी मत नहीं, कौन सी बदतमीज लड़की है। आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इन हिंदी। सिर्फ नहीं हो रही है हिंदी में बात। मतलब हद हो रही है ना। मैं कहा वाह बिग बॉस, पहले तुम्हारे आवाज से लोग जहाँ खड़े होते थे वहां के वहीं खड़े रह जाते थे। अगर बिग बॉस बोलता तुम्हें 24 घंटे तक यहाँ पे खड़े रहना तो बिग बॉस के लोग बात मान देते। ये बंदी मुंह पे बिग बॉस को बोना कर रही है, मैं इससे बात ही ना होती हिंदी में। क्यों भाई, तू अमेरिका से आई है जो तेरे को हिंदी ना आती? बोलती आई एक्सप्रेस बेटर इन इंग्लिश। कौन सी इंग्लिश, कैसी इंग्लिश? वो मतलब जो टीचर्स है उन्होंने तुम्हारे को इंग्लिश सिखाई है जब तुम छोटे थे, जब तुम्हें हिंदी बोलना आती थी। तुम वही जब एक्सप्रेस करती थी पोटी को पोटी बोलती थी तुम हिंदी में, और कुछ ना बोलती थी। और फिर बोलते हमारे को पोटी आने लग रही। बिग बॉस तुम सही कर रहे हो, मत दो इनको खाना, तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कर रहे। सल्लू भाई मैं तो सेन ना करता, इसकी बताना पड़ेगा। बिग बॉस को डिसरिस्पेक्ट करती, बोलती नहीं आती मेरे को हिंदी नहीं आती। वाह भाई, इनको हिंदी नहीं आती, इंडिया में रहती हिंदी नहीं आती, इनको बाहर निकालो इंडिया से जिसको हिंदी नहीं आती। मुद्दे की बात ये है रजत भाई के, जायज से 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 जायज
मैं कुछ बोलना भाई उठाना नहीं पड़ता भाई। ये जो मुस्कान मुस्कान है ना तुम्हारा नाम, तुम जो काम कर रहे हो ना उसका मतलब ये होता आ बेल मुझे वहाँ। तुम किससे पंगा ले रहे हो, किसकी एक्टिंग कर रहे हो? रजत दलाल की। वो लोगों को ऐसे गायब कर देता है, तुम पहले ही शो में ना दिख रही, अब उसकी एक्टिंग कर रहे हो जो मतलब लोगों को गायब करता है। अगर उसने तुम्हारे को गायब कर दिया, पहले तुम शो में ना दिख रही, फिर तुम गायब हो जाओगी, फिर तुम शो में ना दिखोगे। इतना बड़ा लफड़ा क्यों करना अपनी जिंदगी में? रजत दलाल से पंगा लेके क्यों पालतू अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना? मतलब किसी और बंदे की एक्टिंग कर लेते, हमारे विवियन भाई की एक्टिंग कर लेते, वो तुम्हारे कोई इज्जत ना देता। पर वो बंदा वो अपनी एक्टिंग भी नहीं सहता, वो अपनी बुराई भी नहीं सहता, वो तुमसे कलेश पा लेना उसने। अब तुम चाहती हो कि तुम कलेश करे तुम दिखो तो आइडिया अच्छा है, लेकिन यार तुमने जो आइडिया लगाया उसमें थोड़ा रिक्स भी है, क्योंकि रजत दलाल है, उसका हाथ कभी भी उठ सकता है। भाई गाने से पता लग रहा कुछ तो लव स्टोरी टाइप। देखा मतलब लोगों की रीले झूठ नहीं है, कहीं ना कहीं रजत भाई को चाहत के लिए प्यार तो है। रजत भाई आप चीटिंग तो ना कर रहे, आपने तो बोला था बिग बॉस के घर में कि मेरी तो बाहर भी गर्लफ्रेंड है, अगर तुम्हारी बाहर भी गर्लफ्रेंड है तो अंदर गर्लफ्रेंड बनाने की जरूरत ना है ना। क्योंकि यार रजत भाई अपनी मनपसंद औरत से कोई बहस करना नहीं चाहेगा, जैसे आप चाहत से बहस करना नहीं चाहते, और इन दोनों की अलग ही लगी रहे भाई। मतलब बाथरूम में जाने के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे से बहस भी नहीं करना चाहते, एक दूसरे से बोलना भी नहीं चाहते, एक दूसरे में ही घुसना है, अलग ही चल रहा है। मतलब रजत भाई बात तो झूठी ना है, तुम्हें कहीं ना कहीं लव स्टोरी बिगेन तो करनी है इस घर में। 3-4 दिन से मैं पोटी बोला था ना मैंने, पोटी नहीं लग रही लोगों को। जी स्ट्रॉन्ग है, इतनी जीन है ऐसे। भाई वो बंदा जो उसको सहानुभूति दे रहा है ना, वो बंदा पागल है। इसमें स्ट्रॉन्ग गर्ल, तुम कर सकती हो, यू आर हार्ड वर्किंग वुमन, ये बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। उस बंदी को पोटी नहीं लग रही, उसका दुख वही समझ सकती है। मतलब यार बिग बॉस इतनी बुरी शिकायतें आने लगी तुम्हारे घर में से कि अब लोगों को पोटी भी ना लग रही, तुम खाने नहीं दे रहे। मैंने पहले सुना था ये सब इनके नाटक होते हैं, खाना इनको टाइम पर मिलता है, पर यार ऐसी चीजें देखने के बाद मेरे को तो बहुत ज्यादा सहानुभूति आ रही है उस लड़की के लिए। उसको पोटी नहीं लग रही भाई, पोटी कितना इंपॉर्टेंट चीज है, पोटी नहीं लग रही। क्या ही बोलू यार, मतलब मैं क्या ही बोलू, मतलब कौन इस चीज के लिए शिकायत कर सकता। पर नहीं, ये तो है ही बेशरम लोग। पहले तो हमारे गजराज को बाहर निकाल दिया, अच्छा हुआ गजराज को बाहर निकाल दिया। गजराज ये देखता तो पता नहीं क्या सीख लेता, वो भी बोलता ढैचू ढैचू चारा दो चारा दो। मैं क्यों कर रहा हूँ गधे जैसी हरकतें? नहीं भाई नहीं, इनकी हरकतें देखने के बाद तो मैं ऐसा ही बन सकता हूँ। छोड़ो छोड़ो इनको छोड़ो, किसी का इंडिविजुअल खाना नहीं बनेगा तो मैं किचन बंद रखूंगा। पहले ये बताओ बाथरूम की बाल्टी कहाँ है? ये ना सुन रहे बंदा, थार में तारे आए पैर जटिए। यार मतलब मुझे नहाने जाना है, मेरी प्रायोरिटी वह बाल्टी है, मारे पैर जटिए नहीं तेरी बिल्ली आंखनी। मतलब विवियन भाई तुम मजे ले रहे, इतना सीरियस टॉपिक चल रहा है उस घर में, पहली बार इतना सीरियस खाने का टॉपिक। मतलब वहाँ पे लोग खाने के लिए लग रहे, इसकी वजह से लोगों को पोटी ना लग रही, पर विवियन भाई की प्रायोरिटी है बाथरूम की बाल्टी आ गई। उन भाई साहब को नहाना है, उनकी बाथरूम की बाल्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके लिए खाना इम्पोर्टेंट ना है। इसी वजह से ये बंदा मुझे इतना ज्यादा पसंद है, ग्रेटिट्यूड से भरा पड़ा ये बंदा भाई। एटीट्यूड है पर ग्रेटिट्यूड भी है। अब यार ग्रेटिट्यूड में ऐसी मजाक वाली बातें यही करते हैं, इतना सीरियस टॉपिक ये जाके बोला गाइस, तो लोग इसको ऐसा भी समझते बड़ा आदमी है, इसको नॉलेज होगी, वो सोचे कुछ काम की बात बोलेगा, ये जाके बोलता बाथरूम की बाल्टी। यार विवियन भाई बड़े मजाकिया हो रहे तुम लोग यार, मतलब हद कर दी बिग बॉस वाले तुमने। सो गाइस बिग बॉस की इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपका कौन सा फेवरेट कंटेस्टेंट है बिग बॉस का, क्योंकि यार ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक इस वीडियो को शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लेना।